रानी से बचाए। अरे हमसे मिलने ये कौन आया है? क्या आप राजा जी हैं? क्या सच में? राजा जी, पहले आप वापस अंदर जाइए और फिर वापस बाहर आइए। चलती हूँ। मेरे ख्याल से एक राजा को इस तरह जंगल में टहलना सूट नहीं करता। एक राजा को इस तरह रुककर बेरीज तोड़ना सूट नहीं करता। राजा को ये सूट नहीं करता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर एक राजा को इस तरह कार्स ठीक करना सूट नहीं करता। एक राजा को ऐसे काम सूट नहीं करते। राजाओं को ये सब नहीं करना चाहिए। एक राजा को बैस को झप्पी देना सूट नहीं करता। राजा को कभी गंदे बर्तन नहीं धोने चाहिए और एक राजा को सफाई करना सूट नहीं करता। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? ओ, आप ये क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है एक राजा को मछली पकड़ने जैसा काम करना सूट करता है? छुट्टी पर हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मेरी गैर हाजिरी में मैं अपना ताज कुछ वक्त के लिए रानी मैरियाना को सौंप रहा हूँ। क्या आपका मतलब मुझसे है? क्या मैं रानी हूँ? अब मुझे जाकर एक रानी के काम पूरे करने चाहिए। वाओ! राजा जी ने मुझे अपनी नई फेवरेट रानी बना दिया है। चलना सूट नहीं करता। मुझे एक शाही सवारी चाहिए। एक शाही सवारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मुझे महल ले चलो। एक रानी को इतने छोटे घर में रहना सूट नहीं करता। चलो आ जाओ, सब मेरे लिए एक महल बनाओ। हाँ।
कुछ भी कर सकते हो। ओके, अब तुम एक रानी को सूट करने वाली दावत तैयार करो और तुम मेरे लिए बनाओ बगीचे, मूर्तियाँ और फव्वारे। इस महल की हर एक चीज को शाही होना होगा। वाह, ये तो कमाल का है। एक शाही गद्दा। वैसे मेरी प्रजा ने तो काफी अच्छा काम किया है। इसे कहते हैं शाही सवारी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये है असली आर्ट। जो रानी के लिए अच्छा हो वही प्रजा के लिए अच्छा होता है। मेरी जैसी रानी और कोई नहीं। सच में मेरा कोई जवाब नहीं। अब शाही दावत पेश की जाए। खुशी उसकी प्रजा की खुशी में छिपी होती है। ओह, कितना बोरिंग दिन है। क्या हमने सच में दुनिया का हर एक गेम खेल लिया? एक चीज है जो हम खेल सकते हैं। हम एक प्ले कर सकते हैं जो थिएटर में होता है। तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा डाशा? चलो हम सब मिलकर एक बढ़िया प्ले करते हैं। देखो, हम शुरू करेंगे एक क्लासिक थिएटर से। कितना बोरिंग होता है। ये ओपेरा इससे ज्यादा अच्छा होता है। इसमें होती है शानदार कॉस्ट्यूम्स और गाने भी। वो भी बोरिंग है। मेरे ख्याल से हमें एक क्लासिक ड्रामा करना चाहिए दोस्तों, या एक महान ट्रेजेडी। मैं तो कहती हूँ हमें करना चाहिए एक ओपेरा। ओपेरा, ओपेरा, हमें करना चाहिए एक ओपेरा। नहीं, एक मशहूर ड्रामा। सिर्फ ओपेरा में होते हैं गाने, इसलिए हमारे लिए एक क्लासिक ड्रामा करना ही सही रहेगा। नहीं, एक मशहूर ड्रामा। एक मशहूर तो करना है एक ओपेरा। ओपेरा ड्रामा करेंगे। ड्रामा ही होगा। हमें करना चाहिए एक ड्रामा। मैं चाहती हूँ चाहिए हम करें एक क्लासिक ड्रामा। हमें करना चाहिए क्लासिक ड्रामा। मुझे लगता है हमें करना चाहिए एक ड्रामा। मुझे लगता है हमें करना चाहिए ओपेरा। ये तो कमाल का आइडिया है। एक बैले ओपेरा जिसमें हो ढेर सारा ड्रामा। तुम बस यहाँ बैठकर बातें ही करती रहो। मैं तो डायलॉग्स लिखना शुरू कर रही हूँ। Thank you.
खुशी के जल्दी शो शुरू कर ले। उम्मीद हमें है तुम्हें आएगी हंसी, लो लाए हम देखो अपना प्ले। इटली की एक शहर में ला 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 रहता था एक फैमिली ला 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 ला। मुझसे बुरा ना कोई यहाँ, ईवल क्राउन का एक हकदार, ढूंढो चाहे कितनी बार, देखो पूरा ये जहाँ। अब करता जाऊं मैं लड़ाई, मुझको है पसंद ये काम, ले लो जिसका चाहे नाम, सबको करवाता भिड़ाई। फिर चाहे वो जो भी हो मैं ही जीतूंगा, सुनो मैं चलाता हूँ ये शो, ये मेरा शो, मैं चलाता हूँ ये शो, ये मेरा शो। ओ ओ ओ ओ वो कितना प्यारा है। ये क्या तुम उसे चाहते हो? नहीं कभी नहीं। नहीं नहीं अब ये मेरे किसी काम का नहीं। इस बार ये हीरोज हार ही गए, वो खुश हुआ विलेन जो जीत गया, पर सब यहाँ बैठे रहे, देखते रहो आगे होगा क्या। अब वक्त आ गया है असली शैतानी दिखाने का। दुश्मन आखिर भाग निकला और सबके दिल फिर खिल गए, पर शो में नया मोड़ आया। करो तुम वही जो बोलूं मैं, मुझसे ना लो तुम ये बैर, होगी ना तुम्हारी खैर, मैं ना छोड़ूंगा तुम्हें। नहीं हम तुमसे नहीं डरते, अब तुम्हें जाना होगा, चली जाओ यहाँ से। मजा चखाती हूँ। मैं कौन हूँ? सो लेती हूँ।
तुम्हें जानना है मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहूंगी? ये तो बड़ा ही सीरियस फैसला है। मैं कैसा करियर चुनूंगी जिस पर किसी को भी हंसने की हिम्मत नहीं होगी? एक साइंटिस्ट, वो बहुत ही सीरियस काम होता है। उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, सोच सोच कर नई नई चीजें बनानी होती हैं। लेकिन फिर नहीं, ज्यादा सोचना भी दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। इससे अच्छा तो मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझ पर हंसे। जो भी हंसेगा मैं उसे एक बड़ा इंजेक्शन दे दूंगी। उससे भी अच्छा आइडिया, मैं टीचर बनूंगी। जो भी हंसेगा उसे कर दूंगी फेल। अगर फिर भी नहीं समझा तो उसका सामना होगा प्रिंसिपल से। ओ, जाने का वक्त हो गया। आ रही हूँ, आ रही हूँ। स्टूडेंट्स, अब से मैं ही तुम सबकी नई टीचर हूँ। आप जब भी होते हो उदास, आँखों में अंधेरा घना, हाँ घना, अपनी हुनर है काफी खास, रख विश्वास और गाओ मस्ती भरा गाना। जानेंगे अब कितने हो तुम खास। मस्ती करना जरूरी है, जिससे खुल जाए सारे द्वार, हर बार मुझको मिल जाए मंजूरी तेरी। सबको ये बातें तो पता है, ऐसा लगता है कि मैं अभी कोई भी काम करने के लायक नहीं हूँ। मुझसे तो बस यही एक काम अच्छी तरह होता है, मैं बस सबको हंसा सकती हूँ। फ्रेंड्स आप पर हंसते हंसाते भी ऐसे जताए आपसे प्यार, हर बार दुख में रहना ना कभी भी। जब भी लोग आपसे करेंगे खूब प्यार, yes! सब कहेंगे तुम हो दिलदार। Thank you.
ठीक है।
अच्छी और कोई दवाई नहीं। क्वार्टेट प्लस। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आपका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त है। पर बताइए, ये बचपन में कैसा था? वायलिन बजा लेता था इतनी छोटी उम्र में। ओह वाव, ये गिटार भी बजा लेता था। ओह, तो आप एक क्वार्टेट का हिस्सा थे? कहीं मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? क्या आपने कभी परफॉर्म किया ही नहीं? पर चूंकि आप सभी यहाँ पर आ गए हैं, क्यों ना आप सब एक साथ परफॉर्म करें एक क्वार्टेट में? वाह! और मैं बनूंगी आपकी प्यारी ऑडियंस। आपकी प्यारी ऑडियंस चाहती है कि आप सब बजाएं एक क्वार्टेट। आपको बस अपना स्टाइल थोड़ा बदलना होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। We'll be right back.
चलो पहले से शुरू करते हैं। मैं जैसा कहूँ बस वैसा करते जाओ। सूरज डूबा घने बादल में, सारे पंछी भी डर के उड़े, गाने बजते हैं बिसुरे, जब दोस्तों से ना ये धुन बजे, जो ना सुन पाओ एक दूसरे को, कैसे बन पाएगी हारमोनी, पर जब मिलकर बजाओ उसी को, फिर वो स्केल होगी नोट्स A to G, नोट्स है A to G, जैसे हमारी दोस्ती, मिलजुल चार पाँच छः ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले, चलो समझ गए नहीं।